कुंभ मेले में जो जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो परमानेंट वाली हों चाहे टेम्प्रेरी वाली हों, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसमें परमानेंट वाली तो पहले ही की जा चुकी हैं, इनमें सारे घाट हमारे बन चुके हैं, हमारा आस्था पथ बन चुका है, जो पक्के टॉयलेट्स बनने थे स्थायी रूप से वो बन चुके हैं, ब्रिजेस का काम हो चुका है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, हम एक सेक्टर के जो हमारी एक थाना है रोड़ी वाला, उसके अंदर हम खड़े हैं। तो यहाँ पर टिपिकली जो सेटअप होता है टेंट्स का, वो आपने देखा अभी यहाँ पर। और इस बार जो SOPs आई हैं, जैसा भी आपने कहा कि कोविड के बीचों बीच एक तरह का एक मास गैदरिंग जो हो रही है, तो उसमें ये भी अनिवार्य है कि जो हमारी कटिंग एज पे हमारी मैन पावर होगी, कटिंग एज पे जो फोर्स होगी, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, उनका वैक्सीनेशन भी कंपलसरी है। वैक्सीनेशन के उपरांत ही मेले में वो लोग ड्यूटी कर पाएंगे। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं उसमें जो जनरल SOPs भारत सरकार से आई हैं, वो ये है कि 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, और हमारा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये महामारी के बीच में हो रहा है, तो इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन पब्लिक हेल्थ ये बहुत आवश्यक है। इस बार का जो कुंभ है, ये नई परिस्थितियों में, क्योंकि अभी कोरोना का क्या करवट लेगा, भविष्य में क्या स्थिति रहेगी, ये अभी पूरी तरह से मतलब स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। तो ऐसे में जो हमारा कुंभ से रिलेटेड, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट है, यद्यपि हरिद्वार क्योंकि बहुत ही देखा जाए सर्कुलेशन एरिया बहुत ही लिमिटेड है, तो ऐसे में क्राउड और ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, टास्क रहता है पुलिसिंग के लिहाज से। लेकिन उसके ऊपर जो कोरोना के कारण पैंडेमिक की वजह से जो परिस्थितियाँ नहीं आई है, वो एक अलग तरह का चैलेंज है, और जिस लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क भी है। और जो सुरक्षित कुंभ का जो संकल्प राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, उसकी पूर्ति की दिशा में हम सभी लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं।